हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम सेलेक्ट एफर्ट और ये आपके पास 12th एंड 13th ऑफ दिसंबर का न्यूज है, राइट? तो पहले देख लेते हैं कि आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, राइट? तो ये रहा आपके पास हमारा पहला पॉइंट, मिस यूनिवर्स। आज सुबह में ही इसका रिजल्ट आया है और 21 ईयर्स के बाद कोई इंडियन मिस यूनिवर्स बनी है, इस न्यूज को देखेंगे हम। सेकेंड हमारा आएगा फॉर्च्यून मैगजीन इंडिया के मोस्ट पावरफुल वुमेन का एक लिस्ट निकाला है, इसमें कौन कौन से इंडियन है इस लिस्ट में शामिल। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 आया है, इसमें कौन सा स्टेट टॉप पोजीशन पे रहा। और फिर हम जानेंगे काशी विश्वनाथ टेम्पल का 241 ईयर्स के बाद जीर्णोद्धार हुआ है और कैसा लगता है और क्या हुआ है इसमें। तो ये सारी बातें आज हम कवर करेंगे और हम चलते हैं, शुरू में देखते हैं। पहला जो बहुत ही धमाकेदार न्यूज आया था इसराइल से, और ये न्यूज कोई मिसाइल और किसी वॉर प्लेन से रिलेटेड नहीं था, फिर भी ये बॉम्ब से कम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि 21 ईयर्स के बाद कोई इंडियन मिस यूनिवर्स बनी है। तो कौन बनी है इन सब में से, आपके पास ऑप्शन है सुष्मिता सेन, लारा दत्त, हरनाज कौर या इनमें से कोई नहीं। या ये फोटो है उनका एंड द राइट आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज हरनाज कौर, राइट? 21 ईयर्स के बाद ये तमगा मिला है किसी भारतीय को। एलाइट एक जगह है इसराइल में जहां पर ये मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट का फाइनल्स हुआ है। ये तीसरी इंडियन है जो मिस यूनिवर्स का खिताब पाई है। टेकअवेज क्या है, आफ्टर 21 ईयर्स मिस यूनिवर्स क्राउन रिटर्न्स टू इंडिया, शी बिकेम द थर्ड इंडियन वुमेन टू बी क्राउन मिस यूनिवर्स आफ्टर सुष्मिता सेन एंड लारा दत्त। द कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड इन डिसंबर 12th 2021 इन एलाइट इसराइल, राइट? और देखते हैं कि हमारी पहली मिस यूनिवर्स कौन थी, वो पूरा लिस्ट ही देख लेते हैं। तो सबसे पहली कोई इंडियन मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन, तो ये रही सुष्मिता सेन, और इनके बाद जो बनी थी वो थी ये लारा दत्त, राइट? और अब जाकर ये तीसरी बनी है कोई इंडियन, और ये है हरनाज कौर, राइट? मैं नाम बराबर भूल जा रहा हूँ, आज सुबह का ही न्यूज है, तुरंत ही वीडियो बनानी पड़ी है मुझे। तो आइए चलिए देखते हैं इसके बाद का पॉइंट हमारे पास क्या है। काशी विश्वनाथ टेम्पल को 241 साल के बाद उसका जीर्णोद्धार किया गया, एक नया कॉरिडोर बना है और काफी कैंपस को बड़ा कर दिया गया है ताकि जो भी श्रद्धालु वहां जाएं उनको कम से कम संकरी गलियों से गुजरना पड़े जैसा पहले होता था, और वो विश्वनाथ मंदिर में जाके भगवान विश्वनाथ यानी शिवा के को अपना जो भी है अपना पूजा कर सके, राइट? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है और क्वेश्चन इनफैक्ट ये था, द काशी विश्वनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिंदू टेम्पल्स डेडिकेटेड टू विश लॉर्ड, सो लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड ब्रह्मा या फिर लॉर्ड गणेश। आंसर ए है इसका, लॉर्ड शिव। और आज सुबह का ही है ये सीन, सुबह में ही ये हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं वहाँ पे और जाकर उन्होंने इसका शुरुआत किया है, उद्घाटन किया है, राइट? गंगा में डुबकी लगाई है, बड़ा ही माहौल कुछ काफी ज्यादा पूजामय था और इन्होंने पूजा किया और ये रहा मंदिर आपके पास। टेकअवे इसमें क्या है, द काशी विश्वनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, इट इज लोकेटेड इन वाराणसी उत्तर प्रदेश, द टेम्पल इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग ऑफ या फिर इसको ज्योतिर्लिंगम भी कहते हैं, द होलीएस्ट ऑफ शिवा टेम्पल्स रीस्ट्रक्चर्ड आफ्टर 241 ईयर्स, 241 साल पहले भी इसका जीर्णोद्धार किया गया था, उसके बाद ये अब किया गया है, राइट? तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। फॉर्च्यून इंडियाज मोस्ट पावरफुल वुमेन 2021 अनाउंस, तो फॉर्च्यून मैगजीन है ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट निकालती है, इसी में एक कॉलम है जिसमें इंडिया के मोस्ट पावरफुल वुमेन का लिस्ट है, तो इसमें टॉप कौन किया, टॉप यहाँ पर आपके पास लिस्ट नाम है, निर्मला सीतारमन जी हैं, नीता अंबानी हैं, सौम्या
स्वामीनाथन है या किरण मजुमदार स्वा है। तो देख लेते हैं कि क्या इसका राइट आंसर, राइट आंसर ए है। वैसे तो इन चारों का ही नाम है उसमें, लेकिन सबसे ऊपर नाम है निर्मला सीतारमन जी का, राइट। ये रही निर्मला सीतारमन जी, हमारी होम मिनिस्टर, सॉरी ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, बिल्कुल। और अगला है ये नीता अंबानी है जो रिलायंस से है। फिर ये है सौम्या स्वामीनाथन, ये WHO में वर्क करती हैं। और किरण मजुमदार सौ जो चेयरपर्सन है बायोकॉन लिमिटेड की। टेकअवेज में क्या है, फॉर्च्यून इंडिया रिलीज द लिस्ट ऑफ द मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडिया 2021 इन विच यूनियन मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन रैंक फर्स्ट अमंग ऑल द इंडियंस। यस, शी इज फॉलोड बाय रिलायंस फाउंडेशन चेयरपर्सन नीता अंबानी, ये वाली नंबर टू में नीता अंबानी, देन सी स्टैंड्स एट द सेकंड पोजीशन। सौम्या स्वामीनाथन, सी इज द चीफ साइंटिस्ट एट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये रही। और उसके बाद चौथे नंबर पे हैं बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजुमदार शाह, राइट। तो ये चार लोगों का लिस्ट में नाम है अमंग मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडिया, टॉप फोर इनका नाम है। अगला पॉइंट आता है, एज पर इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 विच स्टेट रैंक एट द टॉप, ओके 2021-22 का ये रिपोर्ट है जिसमें कौन सा स्टेट टॉप किया है। और यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड सिक्किम, एंड द राइट आंसर इज महाराष्ट्र, राइट। सो द 9th एडिशन ऑफ इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022, महाराष्ट्र हैज रिटेन्ड द टॉप पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद द हाईएस्ट पॉल ऑफ एम्प्लॉयबल टैलेंट फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड केरल। तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबल टैलेंट जो मिले हैं जो है वो महाराष्ट्र में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद केरल में, ओके। द थीम ऑफ ISR 2022 रीबिल्डिंग एंड री इंजीनियरिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क, विच मिनिस्ट्री किक स्टार्ट्स सेलिब्रेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन वीक। सो कौन सा मिनिस्ट्री ने शुरू किया है एनर्जी कंजर्वेशन वीक, ये 8th से 14th ऑफ दिसंबर तक चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, या नन ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर इज सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये स्टार्ट किया है। टेक अवेज भी देख लेते हैं, कौन मिनिस्टर है मिनिस्टर ऑफ पावर वो भी देख लेंगे हम। सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज सेलिब्रेटिंग द एनर्जी कंजर्वेशन वीक फ्रॉम 8th to 14th December 2021 अंडर आजादी की अमृत महोत्सव। और हमारे मिनिस्टर पावर मिनिस्टर कौन है, तो मिस्टर आर के सिंह है, राइट। ये देख ले उनका पिक, ये आर के सिंह, राइट। अगला पॉइंट, वेन्यू ऑफ द एशियन यूथ पारा गेम्स 2021, ये पैरालंपिक्स है, पारा गेम्स है, एशियन पारा गेम्स है, कहाँ हुआ है, तो बीजिंग, टोक्यो, बहरीन या सियोल। अगर आप पिक देख रहे हैं तो नीचे नाम लिखा ही हुआ है कि 2021 का बहरीन में हुआ है, राइट। और तो सी ऑप्शन हुआ यहाँ पे, बहरीन इसका राइट आंसर है। टेकअवेज में इंडिया क्लेम्स 41 मेडल्स, काफी ज्यादा मिले हैं इंडिया को 41 मेडल्स एट द 4th एशियन यूथ पारा गेम्स, और ये कहाँ पर हुआ है, बहरीन में, रिफा सिटी बहरीन, एशिया का बिगेस्ट इवेंट है ये। और चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर कहाँ होने वाला है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से ध्यान रखेंगे हम। और अगले साल होने वाला है वांगजो में 2022 में एशियन पारा गेम्स, राइट। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगला पॉइंट आ जाता है इंपॉर्टेंट, विच IT कंपनी हैज लॉन्च्ड साइबर सिक्योरिटी स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इन इंडिया। साइबर सिक्योरिटी स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इन इंडिया किस IT कंपनी ने शुरू किया है, ऑप्शन आपके पास है, फोटो राइट हैंड साइड में है, ये सत्या नडेला है, इस कंपनी के CEO है अभी। और देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑब्वियस सा राइट आंसर इसका माइक्रोसॉफ्ट है, राइट। माइक्रोसॉफ्ट, इट हैज लॉन्च्ड अ साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम विद द गोल ऑफ ट्रेनिंग ओवर 1 lakh लर्नर्स बाय 2022 टू एड्रेस द स्किल्स गैप एंड प्रिपेयर इंडियाज वर्कफोर्स फॉर अ करियर इन साइबर सिटी। The program is meant to give students hands-on experience with security, compliance, and identity fundamentals. Right?
और एक और टेक अवे यहाँ पर आता है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और चेयरपर्सन है सत्या नडेला, ये एक इंडियन है, इंडिया बॉर्न यूएस सिटीजन है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट का, तो वह है वॉशिंगटन डीसी में, राइट, रेमोंड वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। अगला पॉइंटर है, एज पर एशिया पावर इंडेक्स 2021 विच कंट्री हैज टॉप्ड द रैंक, चाइना, यूएसए, जापान या इंडिया, यानी किस कंट्री का एशिया में सबसे ज्यादा प्रभाव है, तो टॉप 10 कंट्रीज में टॉप पोजीशन पर कौन है, ये लिस्ट आपके सामने है, देखकर भी आप बता सकते हैं। 81.6 पॉइंट के साथ यूएसए टॉप पोजीशन पर है, सो द राइट आंसर इज बी, यूएसए एट द टॉप पोजीशन, जिसका इन्फ्लुएंस एशिया पे सबसे ज्यादा है। ओके, इस लिस्ट में और भी जो नाम है टॉप फोर के, सबके नाम आप याद रखेंगे, जैसे अमेरिका नंबर वन है, चाइना नंबर टू है, जापान थर्ड है और इंडिया नंबर फोर पे है। नाउ एज पर द लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021, इंडिया हैज बीन रैंक्ड एज द फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया पैसिफिक रीजन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव पावर आउट ऑफ 26 कंट्रीज। सो इतना ही था आज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 12th और 13th दिसंबर का ये न्यूज में। और जी हाँ, ये ग्रीट करती हुई मिस यूनिवर्स है, जो एक इंडियन है और ये तीसरी इंडियन है जो मिस यूनिवर्स का खिताब पाई। ये आज के न्यूज थे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।